Hello everyone, today we'll start with a new chapter, that is moving charges and magnetism. Magnet हम सबने देखा है. जब आपने पहली बार मैग्नेट को देखा होगा तब आप सरप्राइज हुए होंगे, वाओ ये तो मैजिक जैसा है, ये तो आयन को अट्रैक्ट करता है. तब आपने ट्राई भी किया होगा दरवाजे के हैंडल पर मैग्नेट लगाने का, फिर कुछ लोगों ने फ्रीज के ऊपर भी, डोर पे भी मैग्नेट लगाते हैं, वहाँ पे भी ट्राई किया होगा. तो जब हम छोटे बच्चे होते हैं और मैग्नेट को पहली बार देखते हैं, या फिर अभी भी कोई भी छोटा बच्चा और मैग्नेट को पहली बार देखता है तो सरप्राइज हो जाता है कि यार ये तो मैजिक जैसा है. हमें दिखाने लगता है कि ये देखो मैजिक है, कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये मैग्नेट जो है वह इसको अट्रैक्ट करता है, आयन को अट्रैक्ट करता है. सो वी जनरली बिलीव दैट मैग्नेट इज अ नेचुरल एलिमेंट विच हैज़ अ प्रॉपर्टी टू अट्रैक्ट द आयन. बट ये जो प्रॉपर्टी है टू अट्रैक्ट द आयन, वो किसकी वजह से होती है? ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. सो मैग्नेट, ईच एंड एवरी टाइप ऑफ मैग्नेट हैज अ मैग्नेटिक फील्ड विच हैज़ अ प्रॉपर्टी टू अट्रैक्ट द आयन, बट दिस प्रॉपर्टी इज ड्यू टू ओनली द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है, इसकी वजह से ही ये प्रॉपर्टी है. ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, इसका प्रूफ भी है. ऑस्टेड ने सबसे पहले ये ऑब्जर्व किया था कि जब भी हम कंडक्टिंग वायर में से करंट को फ्लो करवाते हैं तब उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है. तो देखते हैं ऑस्टेड ने सबसे पहला ऑब्जर्वेशन क्या किया था. सो लेट स्टार्ट विद द ऑस्टेड्स ऑब्जर्वेशन. ऑस्टेड ने एक कंडक्टिंग वायर लिया. सबसे पहले कंडक्टिंग वायर को बैटरी के साथ और बाजू में एक स्विच को कनेक्ट कर दिया. ठीक है, अभी स्विच ओपन है. कंडक्टिंग वायर के पास उसने एक मैग्नेटिक नीडल को रखी जिसकी डायरेक्शन ये है अभी. ठीक है, इट इज अ मैग्नेटिक नीडल. सो ऑस्टेड हैज ऑब्जर्व दैट व्हेन देयर इज अ स्विच ओपन, जब स्विच ओपन थी देयर इज नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. तो यहाँ पे मैग्नेटिक नीडल में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं दिखा रहा था. लेकिन जैसे ही स्विच क्लोज्ड हो गई, व्हेन द स्विच इज क्लोज देयर इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड दिस नीडल शोज द डिफ्लेक्शन. ये नीडल क्या करने लगी? डिफ्लेक्शन दिखाने लगी. तो ऑस्टेड ने सोचा कि ऐसा क्यों हुआ? मैग्नेटिक नीडल और कंडक्टिंग वायर के बीच में तो कुछ डिस्टेंस भी है, तो ऐसे कौन सी चीज है जो इसको डिफ्लेक्ट करती है? तो उसने ये ऑब्जर्व किया कि वेन एवर द करंट फ्लोज इन अ कंडक्टिंग वायर देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कंडक्टिंग वायर. क्या जनरेट होती है? एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है जिसकी वजह से ये नीडल जो है वो क्या शो करता है? डिफ्लेक्शन शो करता है. दिस डिफ्लेक्शन इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग द इलेक्ट्रिक करंट एंड ऑल्सो टू ब्रिंगिंग दिस मैग्नेटिक नीडल क्लोजर टू दिस कंडक्टिंग वायर. ये डिफ्लेक्शन जो है वो इंक्रीज होता है विथ इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक करंट. ये उसने ऑब्जर्व किया और ये भी ऑब्जर्व किया कि अगर इसको हम इसके नजदीक लेकर जाते हैं, नीडल को कंडक्टिंग वायर के नजदीक ले जाते हैं, तब भी डिफ्लेक्शन क्या होता है? इंक्रीज होता है. सो ऑस्टेड हैज ऑब्जर्व दैट व्हेन एवर द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टिंग वायर देयर इज अ फील्ड विच इज कॉल्ड एज अ मैग्नेटिक फील्ड विच डिफ्लेक्ट्स दिस मैग्नेटिक नीडल. ये है ऑस्टेड का ऑब्जर्वेशन. क्या था अगेन? व्हेन देयर इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टिंग वायर, इन अ कंडक्टिंग वायर, देन मैग्नेटिक नीडल shows deflection. ठीक है, तो ऑस्टेड ने हमें ये तो बताया कि हाँ मैग्नेटिक फील्ड जैसा कुछ है जो इसको डिफ्लेक्ट कर रहा है. ठीक है, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा पर्टिकुलर पॉइंट पे, या फिर उसकी डिरेक्शन कैसे होगी. ये ऑस्टेड भाई ने बताया नहीं. तो ये जो है वो किसने फाइंड किया था? बायो सावर्ट साइंटिस्ट ने. बायो एंड सावर्ट दो अलग अलग साइंटिस्ट हैं, तो उन्होंने ये फाइंड किया था. ये कौन था? ऑस्टेड एक फिजिसिस्ट था,
वो टीचर था, उसने सिर्फ यही ऑब्जर्व किया कि हाँ भाई मैग्नेटिक फील्ड जैसा कुछ है, जब हम इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्टिंग वायर में फ्लो करवाते हैं तब ऐसा कुछ जनरेट होता है, लेकिन कितना जनरेट होता है, कौन सी डिरेक्शन में जनरेट होता है, ये ऑस्टेड ने बताया नहीं। तो वो फाइंड किसने किया था, वो बायो सावर्ट ने फाइंड किया था, और वही लो को हम क्या बोलते हैं, बायो सावर्ट लो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं बायो सावर्ट लो की ओर। सो आफ्टर द ऑब्जर्वेशन ऑफ ऑस्टेड, द बायो एंड सावर्ट हैड फाउंड दैट हाउ मच मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एंड इन विच डिरेक्शन इट प्रोड्यूस्ड। ठीक है, ऑस्टेड ने तो ये बोलकर छोड़ दिया था कि करंट कैरिंग कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, लेकिन वो कितनी होती है और कौन सी डिरेक्शन में होती है वो किसने ही बताया, वो किसने बताया, बायो एंड सावर्ट ने बताया। ठीक है, तो यहाँ पे दो साइंटिस्ट ने फाउंड किया था कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड होती है एंड कौन से डिरेक्शन में प्रोड्यूस होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक फिजिकल क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी भी है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड थी ना वेक्टर क्वांटिटी, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड भी कैसे क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, और उसको हम कैसे नोटिफाई करेंगे, बी से नोटिफाई करेंगे, जिसका यूनिट है टेस्ला, उसको हम वेबर पर मीटर स्क्वायर भी बोल सकते हैं, वेबर पर मीटर स्क्वायर, उसको हम ऐसे भी लिखते हैं वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड जो है उसको हम बी से नोटिफाई करेंगे, जिसका यूनिट क्या है, टेस्ला और वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो चलो देखते हैं बायो एंड सावर्ट ने कैसे फाइंड किया कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होती है, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड डिरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो सबसे पहले बायो सावर्ट ने एक कंडक्टिंग वायर लिया जिसमें से करंट आई फ्लो हो रहा है। चलो ये है कंडक्टिंग वायर जिसमें से करंट आई फ्लो हो रहा है। ये कंडक्टिंग वायर के बहुत सारे छोटे छोटे स्मॉल कंपोनेंट हो सकते हैं। यस, यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे स्मॉल कंपोनेंट कंसीडर कर लो, जिसमें से कोई भी एक कंपोनेंट, चलो ये कंपोनेंट मैं चूज कर रही हूँ, ये कंपोनेंट जो है वो कितना है, डीएल लेंथ का है। अगर पूरे कंडक्टिंग वायर में से करंट आई फ्लो हो रहा है तो एवरी कंपोनेंट हैज द इलेक्ट्रिक करंट आई। अगर पूरे कंडक्टर में करंट आई फ्लो हो रहा है तो सारे कंपोनेंट में से भी कितना करंट फ्लो होगा, करंट आई जितना ही फ्लो होगा। तो यहाँ पे ये वाला जो कंपोनेंट हमने कंसीडर किया है उसमें से भी कितना करंट फ्लो होगा, आई जितना ही करंट फ्लो होगा। सो आइडियल इज वॉट, इट इज अ करंट कंपोनेंट। आइडियल को हम क्या बोल सकते हैं, आइडियल इज इक्वल्स टू करंट कंपोनेंट और करंट कैरिंग कंपोनेंट। ठीक है, तो यहां पे अब हमें क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड अ मैग्नीट्यूड ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन कहां पे, तो यहां पे कहीं पर भी एक पॉइंट पी ले लो एंड इट हैज अ पोजिशन वेक्टर आर, जिसकी पोजिशन वेक्टर क्या है, आर है। सो वी हैव टू फाइंड अ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट पी विच हैज अ पोजिशन वेक्टर आर एंड दिस फील्ड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक करंट। आई की वजह से क्या हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, मतलब ये स्मॉल कंपोनेंट की वजह से, ये स्मॉल करंट कंपोनेंट की वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी यहां पॉइंट पी पे, वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, अगेन पूरा कंडक्टिंग वायर है जिसमें से करंट आई फ्लो हो रहा है, उसमें से हमने छोटा सा कंपोनेंट कंसिडर किया है आईडीएल जितना। अगर पूरे कंडक्टर में से करंट आई फ्लो हो रहा है तो छोटे से कंपोनेंट में से भी कितना करंट फ्लो होगा, करंट आई जितना ही होगा। हमें यहाँ पे पोजिशन वेक्टर आर पे एक पॉइंट पी रखा है, तो पी पॉइंट पे हमें वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमें कैसे मिलेगी, तो ये रही फॉर्मूला, डीबी इज इक्वल्स टू वॉट, म्यू जीरो अपॉन फोर पाई आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। ठीक है, ये फॉर्मूला कहां से आई वो मत पूछो, अभी आपको सिर्फ याद ही रखना है ये फॉर्मूला, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कैसे मिलेगी विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन, डीबी इज इक्वल्स टू म्यू जीरो अपॉन फोर पाई आईडीएल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। सी यहां पे पोजिशन वेक्टर है तो उसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, वी नो दैट कैप ऑफ आर इज इक्वल्स टू आर वेक्टर, दिस इज मोड ऑफ आर। ठीक है, यहां पे हम देख सकते हैं आर इज इक्वल्स टू आर, तो अगर हम ये आर की जगह पे ये लिख दे म्यू जीरो अपॉन फोर पाई आई डी एल
वेक्टर आर की जगह पे कैप ऑफ आर इंटू आर डिवाइडेड बाय आर क्यूब, तो आपको दूसरा भी इक्वेशन मिलेगा इज इक्वल्स टू म्यू जीरो अपॉन फोर पाई आई डी एल इंटू आर कैप अपॉन आर स्क्वायर. ये दोनों इक्वेशन सही है. अगर आप वेक्टर आर लिखते हो तो नीचे आर क्यूब लिखो, अगर आप आर कैप लिखते हो तो आर स्क्वायर लिखो. ये भी सही है और ये भी सही है. ये आर स्क्वायर कैसे आया? यहां से आया, ठीक है, इसको भी याद रखो. सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डीबी डब्बी डब्बी इज इक्वल टू वॉट म्यू जीरो अपॉन फोर पाई आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब या फिर म्यू जीरो अपॉन फोर पाई आई डी एल इंटू सॉरी क्रॉस आर कैप अपॉन आर स्क्वायर. जिसमें से आईडीएल क्या है? आईडीएल इज अ करंट कंपोनेंट, करंट कैरिंग कंपोनेंट, ठीक है. वेक्टर आर क्या है? इट इज अ पोजिशन वेक्टर ऑफ आर एट द पॉइंट पी. म्यू जीरो क्या है? व्हाट इज म्यू जीरो? म्यू जीरो जो है वो परमीएबिलिटी है. क्या है? परमीएबिलिटी है. और वो कॉन्स्टेंट है, उसकी वैल्यू क्या होती है? फोर पाई इंटू टेन रेस टू माइनस सेवन. म्यू जीरो इज इक्वल्स टू फोर पाई इंटू टेन रेस टू माइनस सेवन, ठीक है. तो एक्चुअली आप देख सकते हो यहां पे अगर आप 4 पाई इंटू टेन रेस टू माइनस सेवन लिखो तो 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? सिर्फ 10 रेस टू माइनस सेवन. एक्चुअली ये 10 रेस टू माइनस सेवन जो है वो कांस्टेंट है, उसी को मेंटेन करने के लिए हमने नीचे क्या किससे डिवाइड किया है? 4 पाई से डिवाइड किया है. वरना वैसे भी इक्वेशन कौन सा आ जाता? डीबी इज इक्वल्स टू वॉट 4 पाई अपॉन 4 पाई इंटू टेन रेस टू माइनस सेवन एंड दिस इक्वेशन, ठीक है. तो 4 पाई कैंसिल हो जाएंगे तो बचा क्या? डीबी इज इक्वल्स टू टेन रेस टू माइनस सेवन दिस इक्वेशन, ठीक है. तो यहाँ पे हम ऐसा भी सोच सकते हैं या फिर आप ऐसा ही सोच लो, म्यू जीरो इज अ परमीबिलिटी एंड इट्स कॉन्स्टेंट वैल्यू इज 4 पाई इंटू टेन रेस टू माइनस सेवन, ओके. नाउ व्हाट इज द यूनिट ऑफ म्यू जीरो? म्यू जीरो का यूनिट क्या होगा? तो म्यू जीरो का यूनिट होता है टीमा. टीमा नहीं, मीन्स टेस्ला इंटू मीटर अपॉन एम्पियर. ये यूनिट कैसे आता है वो भी देख लेते हैं. तो यहां पे देखो ये जो डीबी है और यहां पे म्यू जीरो है, तो म्यू जीरो को सब्जेक्ट बनाओ तो डीबी इज इक्वल्स टू वॉट सॉरी म्यू जीरो इज इक्वल्स टू डीबी इंटू फोर पाई कॉन्स्टेंट है म्यू जीरो, तो हमें फाइंड करना है फोर पाई कॉन्स्टेंट है उसको हम नहीं लिखते अभी, आर क्यूब अपॉन आई डी एल इंटू आर, ठीक है. तो डीबी का यूनिट क्या होगा? टेस्ला. आर क्यूब मतलब मीटर क्यूब, आर इज अ डिस्टेंस तो मीटर क्यूब लिख दे, आई जो है वो एम्पियर है, डी एल जो है वो क्या है? मीटर है. और यहां पे क्या है? वेक्टर आर है, तो मींस यहां पे वेक्टर आर है तो उसका यूनिट क्या होगा? मीटर. तो देखो मीटर क्यूब है, मीटर स्क्वायर होगा तो एक मीटर चला जाएगा, सॉरी 2 मीटर चले जाएंगे, तो बचा कौन? सिर्फ यहां पे 1. तो म्यूजर का यूनिट आ गया टीमा, दैट इज टेस्ला इंटू मीटर अपॉन एम्पियर. तो यहां पे आप देख सकते हो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ए ड्यू टू द करंट कंपोनेंट आईडीएल. करंट फ्लो होने की वजह से जो हमें मैग्नेटिक फील्ड मिली उसकी जो फॉर्मूला है वो ये है, डीबी इज इक्वल टू म्यू जीरो अपॉन फोर पाई आईडीएल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब. आर इज अ वेक्टर, अगर आप आर कैप लिखते हो तो वैल्यू क्या आ जाएगी? आर स्क्वायर आ जाएगी. व्हाट इज म्यू जीरो? म्यू जीरो इज अ परमीबिलिटी, इट्स वैल्यू इज 4 पाई इंटू 10 रेज टू माइनस 7. दूसरी बात, व्हाट इज द यूनिट ऑफ म्यू जीरो? तो कैलकुलेट करके आपको दिखा दिया उसका यूनिट क्या होता है, टीमा, दैट इज टेस्ला इंटू मीटर अपॉन एम्पीयर. तो यहां पे डीबी की वैल्यू जो लग रही है उतनी इजी नहीं है, यहां पे क्रॉस प्रोडक्ट है. अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट नहीं आती है तो वापस 11th में चले जाओ, वहां पे क्रॉस प्रोडक्ट हमने पढ़ाई थी, ठीक है. तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं? अगर ए क्रॉस बी है तो वैल्यू क्या आती है? मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी इंटू साइन थीटा. तो क्रॉस प्रोडक्ट हम ऐसे सॉल्व करते हैं, तो इसमें भी हमें यही लॉ अप्लाई करना पड़ेगा. उसके बाद आप मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड कर सकते हो. तो अगर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अगर आपको फाइंड करनी हो तो हम क्या करेंगे? मोड लगा देंगे, ठीक है. सो म्यू जीरो अपॉन फोर पाई, म्यू जीरो अपॉन फोर पाई तो क्या होगा? वो कॉन्स्टेंट ही रहेगा. मोड ऑफ आईडीएल, मोड ऑफ आईडीएल क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब. तो इससे आपको मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी किसी भी पॉइंट पे
ड्यू टू द करंट कैरिंग कंपोनेंट. ठीक है, तो ये है मैग्नीट्यूड, इक्वेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड. अब उसके डिरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे तो वो भी देख लेते हैं. चलो, दोनों साइंटिस्ट ने वैल्यू तो फाइंड कर दी कि हमें इस तरह से वैल्यू मिल सकती है, लेकिन अब डिरेक्शन कैसे मिलेगी तो वो भी देख लेते हैं. अब फाइंड करते हैं डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन. अगेन एक वायर कंसिडर कर लो, कंडक्टिंग वायर, जिसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा है, करंट आई फ्लो हो रहा है. ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे कंपोनेंट हमने कंसिडर किए हैं, उसमें से अगर ये कंपोनेंट मुझे बहुत अच्छा लग गया है, ठीक है, ये वाला कंपोनेंट, तो इसमें से हम फाइंड करेंगे करंट आई. ये कंडक्टिंग वायर में से अगर करंट आई फ्लो कर रहा है तो यहाँ पे ये कंपोनेंट में भी कितना करंट फ्लो करेगा, करंट आई जितना ही फ्लो करेगा. अब किसी ने ये बोला कि मुझे इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, कोई बात नहीं, P1 पे फाइंड करते हैं. तो यहाँ पे पोजीशन वेक्टर क्या कौन से ले लेंगे हम, R1 ले लेंगे. कोई ऐसा बोल रहा है कि नहीं मुझे तो ये वाली पॉइंट P2 पे फाइंड करनी है, कोई बात नहीं, हम यहाँ पे फाइंड करेंगे पोजीशन वेक्टर R2 ले लेते हैं. कोई ऐसा बोलता है कि नहीं मुझे तो यहाँ पे इस साइड पे फाइंड करनी है मैग्नीट्यूड, तो यहाँ पे हम पोजीशन वेक्टर ले लेंगे R3. किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए. अगर कोई चौथा बोल रहा है तो वो भी हम ड्रॉ कर देते हैं. ठीक है, चलो अभी तीन ही कंसिडर करते हैं. तो कोई ऐसा बोल रहा है कि मुझे ये पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, कोई बोल रहा है मुझे ये पॉइंट पे, कोई बोल रहा है मुझे ये पॉइंट पे. तो चलो यहाँ पे देखते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द पोजिशन वैक्टर ऑफ आर वन एट द पॉइंट पी वन. तो क्या मिलेगी, डी बी वन इज इक्वल्स टू म्यू जीरो अपॉन फोर पाई आई डी एल क्रॉस आर वन अपॉन आर क्यूब. यहाँ पे देखो मैंने वेक्टर आर वन लिखा है तो नीचे क्या आएगा, आर क्यूब आएगा. अगर मैं यहाँ पे कैप ऑफ आर वन लिखती तो नीचे क्या आता, आर स्क्वायर आता. दोनों वैल्यू सेम ही है. चलो पी टू पे मुझे वैल्यू कौन सी मिलती, डी बी टू इज इक्वल्स टू म्यू जीरो अपॉन फोर पाई मोड ऑफ आई डी एल, यहाँ पे डी एल वन, यहाँ पे डी एल इंटू आर टू अपॉन आर टू क्यूब आर वन क्यूब. ठीक है, चलो यहाँ पे मुझे अगर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी हो तो डी बी थ्री डब्बी थ्री इज इक्वल्स टू मोड ऑफ, डोंट फॉरगेट इट, म्यू जीरो अपॉन फोर पाई आई डी एल क्रॉस क्या आएगा, आर थ्री डिवाइडेड बाय आर थ्री क्यूब. ठीक है, तो यहाँ पे हमें वैल्यू मिल गई, तीनों पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की हमें वैल्यू मिल गई. लेकिन अगर अब हमें डिरेक्शन फाइंड करनी हो तो डिरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, चलो वो देखते हैं. सो व्हाट इज द डिरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट है आईडीएल एंड आर वन, ये दोनों का क्या है, क्रॉस प्रोडक्शन है. तो क्रॉस प्रोडक्ट में हमें डिरेक्शन कैसे मिलती है, वी नो दैट डिरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ आईडीएल क्रॉस आर वन. अगेन व्हाट इज द डिरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आईडीएल एंड आर. ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डिरेक्शन होगी वो आईडीएल के भी परपेंडिकुलर होगी, आर के भी परपेंडिकुलर हो रही होगी, और उन दोनों के साथ मिलकर जो प्लेन बनता है उससे भी परपेंडिकुलर होगी. ठीक है, सो अगेन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आईडीएल एंड आर. मतलब मैग्नेटिक फील्ड की जो डिरेक्शन होगी वो आईडीएल के भी परपेंडिकुलर होगी, इसके भी परपेंडिकुलर होगी, और इन दोनों की वजह से जो प्लेन बनता है उससे भी परपेंडिकुलर होगी. ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से हमें मैग्नेटिक फील्ड की डिरेक्शन मिलेगी. इससे समझ में नहीं आता है, कोई बात नहीं, यहाँ पे देखते हैं. ठीक है, जो देखो यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट किसके दोनों के बीच में है, आईडीएल क्रॉस आर, इन दोनों के बीच में है. ठीक है, यहाँ पे आईडीएल के जो छोटा कंपोनेंट है उसको थोड़ा सा लंबा बना देते हैं, खींचो उसको लंबा बना दो,
तो यहाँ पे ऐसा हमने लंबा बना दिया, ठीक है, आइडियल कंपोनेंट। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो डायरेक्शन है वो हम किसकी मदद से बताएंगे, विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड स्क्रू लो। किसकी मदद से, विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड स्क्रू लो। ये चीज हमने जब टॉर्क पढ़ा था ना तब भी मैंने आपको दिखाई थी, बहुत इजी है, ध्यान से देखना। जब भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन प्लेन के अंदर जाती है, अगेन जब भी मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो प्लेन के अंदर जाती है, तब हम उसको कैसे शो करते हैं, ऐसे शो करते हैं। और जब भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन प्लेन के आउटवर्ड होती है, प्लेन के आउटवर्ड, प्लेन से बाहर निकलती है, तब हम उसको कैसे शो करेंगे, ऐसे शो करेंगे। ये अंदर जाती है इनवर्ड और ये बाहर आती है, दैट इज आउटवर्ड। आप ऐसा भी सोच सकते हो, रामायण महाभारत में आपने ये एरो देखा होगा बहुत बार, ठीक है, ये एरो है, यहां पीछे ऐसा होता है ना डिजाइनर जैसा कुछ, ठीक है। तो अगर ये एरो जो है अगर आप थ्रो करते हो तो आपको कौन सी चीज दिखेगी, ये पीछे वाली चीज दिखेगी, समझ में आ रहा है। जब आप अपने हाथ में से उसको थ्रो करते हो तो आपको पीछे का चीज दिखाई देगा, ये वाला चीज दिखाई देगा, तो उसको हम कैसे मेंशन करेंगे, ऐसे, ठीक है। और अगर कोई हम पे फेंक रहा है एरो तो हमें कौन सा पॉइंट आउट होगा, ये वाला पोर्शन, तो हम उसको कैसे मेजर करेंगे, ऐसे शो करेंगे, समझ में आ रहा है। अगर एरो जो है उसको आप थ्रो करते हो तो आपको ऐसा दिखेगा, लेकिन अगर एरो कोई और थ्रो कर रहा है और आपकी ओर आ रहा है तो हमें क्या, कौन सा पोर्शन दिखेगा, ये आगे वाला पोर्शन दिखेगा, जिसको हम कैसे शो करेंगे, डॉट से शो करेंगे, ठीक है, पीछे वाले को क्रॉस से, आगे वाले को डॉट से। मतलब एरो अब बाहर जा रहा है, बाहर मीन्स आप किसी के ऊपर थ्रो करते हो तो आपको पीछे का पोर्शन दिखेगा, उसको हम कैसे शो करेंगे, क्रॉस से, और इसको हम डॉट से शो करेंगे, ठीक है। तो यहां पे देखो, आईडीएल क्रॉस आर, इसका मतलब क्या है, डीएल आईडीएल क्रॉस आर वन, ठीक है, कैसे डायरेक्शन हम मेजर करेंगे, डीएल क्रॉस आर वन यहां पे, तो ये कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, ये वाली डायरेक्शन में जाएगा। तो यहां पे देखो, ये वाली डायरेक्शन में जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, राइट हैंड स्क्रू रो है तो यहां पे इसको पकड़ो, सिर्फ मैंने ये लेफ्ट हैंड से उसको पकड़ा ही है, लेकिन मोशन कौन सी डायरेक्शन में हो रहा है, ये वाली क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है, यस और नो, क्योंकि ये डीएल जो है आईडीएल वो यहां से यहां जा रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट में जो पहला होता है उसको ही रोटेट करवाओ, तो चलो यहां पे हम ऐसे रोटेट करते हैं, आईडीएल क्रॉस आर वन। तो यहां पे देखो, जब हम ऐसा करते हैं तो स्क्रू जो है वो कौन से साइड जाएगा, एंड क्लॉकवाइज में अंदर की ओर जाएगा, मतलब एरो जो है उसको हम थ्रो कर रहे हैं तो हमें कौन सा पोर्शन दिखेगा, पीछे का पोर्शन दिखेगा, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, क्रॉस लिखेंगे, समझ में आ रहा है, यहां पे हम क्या लिखेंगे, क्रॉस लिखेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कौन सी डायरेक्शन में जा रही है, प्लेन के अंदर जा रही है, ये बोर्ड को चीर के अंदर चली जाएगी, समझ में आ रहा है। उसी तरह से यहां पे भी देखो, आईडीएल क्रॉस आर टू, आईडीएल क्रॉस आर टू, तो यहां पे भी आप देख सकते हो, यहां पे भी मोशन कैसे होगा, क्लॉकवाइज ही होगा, और मोशन जब क्लॉकवाइज होता है तो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड स्क्रू लो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहां पे होगी, इनसाइड द प्लेन, इनसाइड द प्लेन मतलब अगेन हम एरो को क्या कर रहे हैं, यहां पे भेज रहे हैं, तो हम ऐसे थ्रो कर रहे हैं उसको, तो यहां पे पीछे वाला पोर्शन हमें कैसे दिखेगा, क्रॉस में ही दिखेगा। अगर आपको ऐसे नहीं सोचना है, ऐसे सोचना है तो भी चलेगा, अगर प्लेन के अंदर जा रही डायरेक्शन तो हम कैसे उसको मेंशन करेंगे, विद द हेल्प ऑफ क्रॉस, ठीक है। यहां पे ये वाले P3 पे डायरेक्शन कौन सी आएगी यहां पे मैग्नेटिक फील्ड की, तो आईडीएल क्रॉस R3। अब तो आप खुद भी बता सकते हो यहां पे मोशन कैसे होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, कैसे होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बाहर की ओर आएगा, और जब भी एरो बाहर की ओर आता है इसका मतलब हमें क्या, कौन सा पोर्शन दिखता है, आगे का पोर्शन दिखता है, तो यहां पे हम क्या मेंशन करेंगे, डॉट मेंशन करेंगे, समझ में आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यहां से अंदर गया, यहां से अंदर गया, बोर्ड के पीछे से घूमकर यहां से बाहर आया, अगेन मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यहां से अंदर गया,
बोर्ड के पीछे से घूमकर वो यहाँ से बाहर आया, मतलब उसने एक पूरा सर्कल बनाया। इसीलिए हम कंडक्टिंग वायर में मैग्नेटिक फील्ड को कैसे शो करते हैं, ऐसे शो करते हैं। समझ में आया? यहाँ पे तो मैंने सिर्फ एक ही कंपोनेंट के लिए बोला, अगर ऐसे आप बहुत सारे कंपोनेंट के लिए या फिर पूरे कंडक्टिंग वायर के लिए मेजर करें तो आपको एक कौन सा सर्कल दिखेगा, ऐसे राउंड जैसे सर्कल आपको दिखेंगे। क्योंकि अगेन 3D में सोचो, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से अंदर जा रहा है, बोर्ड को पीछे से घूमकर वो यहाँ से बाहर आए, मतलब गोल एक पूरा सर्कल बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ ये मैग्नेटिक फील्ड को हम कैसे ड्रॉ करते हैं, ऐसे ड्रॉ करते हैं इन अ सर्कुलर फॉर्म। ठीक है, तो है इजी एकदम, डायरेक्शन भी इजी ही है और मैग्नीट्यूड भी इजी है। बस आपको कुछ कुछ चीजें ध्यान में रखनी है। एक तो पहले नंबर ये कि डायरेक्शन कैसे आप शो करोगे वो आपको ध्यान में रखना है। प्रोडक्ट जो है क्रॉस प्रोडक्ट अच्छे से बनाओ, आईडीएल क्रॉस R1 मीन्स रोटेशन यहाँ पे होगा तो इनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, अगर एंटी क्लॉक होता है तो आउटवर्ड में आएगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जब इनवर्ड होता है तो क्रॉस से मेंशन करो, जब आउटवर्ड आता है तो डॉट से मेंशन करो। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, बोर्ड को चीर कर वापस वो बाहर आ रही है, ऐसे राउंड एंड राउंड सर्कुलर फॉर्म बन रहा है। ठीक है, तो अगर हमें पूरे कंडक्टिंग वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी हो, यहाँ पे तो हमने सिर्फ मैंने रब कर दी, लेकिन यहाँ पे मैंने सिर्फ P1, P2, P3 पे फाइंड की थी। लेकिन अगर पूरे कंडक्टिंग वायर के लिए अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी हो तो आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, वो आएगा बाद में। लेकिन अभी इतना ध्यान दो कि कैसे हमने डायरेक्शन फाइंड की और कैसे हमने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड की। सो वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दैट इज W इज इक्वल्स टू μ0 अपॉन 4π आइडियल क्रॉस R अपॉन R2। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट में यहाँ पे आइडियल R साइन थीटा ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज R2। फाइन, तो यहाँ पे स्पेशल केस हो सकते हैं, दो स्पेशल केस है। फर्स्ट, इफ थीटा इज इक्वल्स टू जीरो देन साइन थीटा की वैल्यू भी क्या आएगी, जीरो ही आएगी, बिकॉज साइन जीरो इज इक्वल्स टू जीरो। अगर साइन जीरो आएगा तो फिर यहाँ पे dB की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, सी थीटा इज व्हाट, थीटा क्या है, यहाँ पे हमने करंट कैरिंग कंडक्टर लिया था, इसमें से ये कंपोनेंट कंसिडर किया था विच इज आइडियल। अब यहाँ पे एक पोजिशन वैक्टर आर पे कोई पॉइंट पी है, तो यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट इन दोनों के बीच में है तो एंगल भी हमें कौन सा कंसिडर करना पड़ेगा, इन दोनों के बीच में ही कंसिडर करना पड़ेगा। तो अगर थीटा जीरो है इसका मतलब क्या हुआ, ये जो पॉइंट पी है वो कहाँ पे आ गया, यही इस कंपोनेंट पे ही आ गया। ठीक है, तो अगर आइडियल और पी के बीच में थीटा जीरो है इसका मतलब कि पी पॉइंट अगर एक्सिस पे है, किसके एक्सिस पे है, आइडियल कंपोनेंट की एक्सिस पे है, देन मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। दैट मीन्स वी कैन से दैट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमें जीरो कब मिलती है, जब हम करंट कंपोनेंट की एक्सिस पे कोई पॉइंट है और उसके ऊपर हम मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करें तो उसकी वैल्यू हमें क्या मिलेगी, ऑलवेज जीरो, बिकॉज थीटा इज इक्वल टू जीरो। अब दूसरा केस है, इफ थीटा इज इक्वल्स टू 90, मतलब ये दोनों एग्जैक्ट परपेंडिकुलर हो तब साइन 90 की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। सो dB हमें कैसा मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा, कैसा मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। तो थीटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थीटा पे डिपेंड करता है कि dB की वैल्यू कौन सी आएगी। जीरो लाना है तो थीटा इज इक्वल टू जीरो, देन dB इज इक्वल्स टू ऑल्सो जीरो, एंड थीटा इज इक्वल टू 90 देन dB विल बी मैक्सिमम। तो ये दोनों स्पेशल केस है। देखो यहाँ पे हमने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ा, हमने प्रीवियस चैप्टर्स में इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा था, कूलम्स लॉ। यहाँ पे हमने बायो सावर्ट लॉ, वहां पे हमने कूलम्स लॉ के बारे में पढ़ा था। यहाँ पे हमने बायो सावर्ट लॉ में क्या देखा, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं एंड डायरेक्शन कैसे मिलती है। सो बायो सावर्ट लॉ जो है उसको हम थियोरिटिकली कैसे लिखेंगे तो वो भी देख लेते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी रिलेटिव टू करंट एलिमेंट दैट इज आइडियल और यू कैन से करंट कंपोनेंट
which is current carrying, which is current carrying component at the position vector, at the position vector r, is given by W means db, W is equals to mu 0 upon 4 pi idl cross r vector upon r square, or you can say r cube idl क्रॉस आर कैप अपॉन आर स्क्वायर. ठीक है, कभी कभी अगर आर स्क्वायर हो और कभी कभी इक्वेशन में आर क्यूब हो तो ये मत सोचना कि यहाँ पे कोई मिस्टेक होगी. ऊपर भी देखो, यहाँ पे आर वेक्टर है तो नीचे आर क्यूब आ सकता है, और अगर आर कैप है तो आर स्क्वायर भी आ सकता है. मैंने आपको पहले ही बता दिया दोनों वैल्यू सेम है, और कैसे सेम है वो भी बता दिया था. ठीक है, सो हियर द मैग्नीट्यूड ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, हमने कंसिडर किया था कंडक्ट कैरिंग कंडक्टर वायर, उसमें P पॉइंट कंसिडर किया था विच इज रिलेटिव टू करंट एलिमेंट आइडियल एंड एट द पोजिशन वेक्टर ऑफ R, देन मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय दिस इक्वेशन. ठीक है, अगर हम यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट को हटा दें तो ऐसा लिख सकते हैं म्यू जीरो अपॉन फोर पाई आइडियल R साइन थीटा अपॉन R क्यू, हम ऐसा भी लिख सकते हैं. सो फ्रॉम द बायर सावर्ट लॉ वी कैन से दैट W means DB is directly proportional to IDL, means again यहाँ पे DB is directly proportional to I, current की directly proportional है, DB is also directly proportional to DL. ठीक है, DB is directly proportional to sin theta, ये भी हम बोल सकते हैं, and DB is directly proportional to 1 upon R square. यहाँ पे देखो आइडियल आर साइन थीटा है, आर और आर क्यूब है तो नीचे क्या आएगा, आर स्क्वायर आएगा, एक आर उड़ जाएगा, तो यहां पे हम बोल सकते हैं डी बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन आर स्क्वायर. कुछ याद आ रहा है आपको, चैप्टर 1-2 में हमने देखा था कूलम्स लॉ, कूलम्स फोर्स लॉ, तो वहां पे हमने क्या देखा था, फोर्स इज इक्वल्स टू व्हाट, के क्यू 1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और यहां पे हमने क्या फाइंड किया है, db इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r स्क्वायर, मतलब जितने भी बेसिक लॉ है वो स्क्वायर इनवर्स प्रोपोर्शनल ऑफ स्क्वायर डिस्टेंस, जितने भी बेसिक लॉ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ही है. ठीक है, तो यहां पे हम सिमिलरिटीज भी देख लेते हैं और डिफरेंसेस भी देख लेते हैं बिटवीन द बायर सावर्ट लॉ एंड कूलम्स लॉ. सी द सिमिलरिटीज बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, E और B के बीच में कौन से सिमिलरिटीज है, सो कूलम्स लॉ एंड बायर सावर्ट लॉ, सो बोथ लॉज डिपेंड इनवर्स ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस है कि नहीं, F is also inversely proportional to square of the distance and Bayer-Savart law is also inversely proportional to square of the distance. So, ये similarities है दोनों में कि दोनों के दोनों inversely proportional करते हैं with the square of the distance. दूसरी क्या similarities है? The superposition theorem और superposition principle apply on both the fields. दोनों फील्ड में हम अप्लाई कर सकते हैं. We know that E is equals to KQ by R square, means E is directly proportional to Q. And what is DB? Is equals to mu 0 upon 4 pi IDL vector of R, that is R cube. So यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि DP is also directly proportional to IDL. तो ये दोनों में सिमिलरिटीज है. नाउ डिफरेंसेस बिटवीन ई एंड बी, ई एंड बी में डिफरेंस क्या है, सी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू वेक्टर कंपोनेंट आइडियल. ठीक है,
सो मैग्नेटिक फील्ड किससे प्रोड्यूस होता है? वेक्टर कंपोनेंट आइडियल. जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू स्केलर कंपोनेंट. कौन सा कंपोनेंट? स्केलर कंपोनेंट, दैट इज क्यू, और यू कैन से डी क्यू. ठीक है, तो यहां पे देख सकते हो मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से प्रोड्यूस होती है? वेक्टर कंपोनेंट आइडियल. एंड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किसकी वजह से प्रोड्यूस होती है? स्केलर कंपोनेंट डी क्यू, या फिर क्यू भी आप लिख सकते हो. दूसरी डिफरेंस है, दूसरा जो डिफरेंस है वो क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज द लाइन जॉइनिंग, इज द लाइन जॉइनिंग बिटवीन सोर्स एंड फील्ड पॉइंट. सोर्स एंड फील्ड पॉइंट, इसका मतलब क्या हुआ? याद करो हम कैसे लिखते थे डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की, हम कैसे ड्रॉ करते थे? अगर ये सोर्स है, सोर्स चार्ज Q, और ये फील्ड पॉइंट है, ठीक है, तो यहां पे इट इज अ लाइन जॉइनिंग बिटवीन Q एंड P, सोर्स एंड फील्ड पॉइंट. तो ये जो डायरेक्शन थी वो अलोंग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के थी, ठीक है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन थी वो कैसी थी? अलोंग द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, द लाइन जॉइनिंग बिटवीन सोर्स एंड फील्ड पॉइंट. इट इज अ सोर्स एंड फील्ड पॉइंट, ठीक है. तो ये थी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे हमने फाइंड की? अभी आपने देखा मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर, इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ, टू द प्लेन ऑफ आइडियल क्रॉस आर. ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज द परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ आइडियल क्रॉस एयर, क्रॉस आर. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो तो इजीली मिल जाती है, इसकी डायरेक्शन ढूंढने में हमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है. ठीक है, सो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ आइडियल क्रॉस आर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो आइडियल के भी परपेंडिकुलर होगी, आर के भी परपेंडिकुलर होगी, और उन दोनों से जो प्लेन बनना है उससे भी परपेंडिकुलर होगी. सो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ आइडियल क्रॉस आर. ओके, एंड द लास्ट वन इज मैग्नेटिक फील्ड, वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन थीटा. यस और नो? क्योंकि आइडियल क्रॉस आर है तो आइडियल आर साइन थीटा होगा. तो मैंने अभी बोला था स्पेशल केसेस, मैंने आपको पढ़ा है अभी. सो थीटा पे डिपेंड करता है, किसकी वैल्यू? मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है ऑन थीटा, एंगल, एंगल पे डिपेंड करती है. लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो किसी एंगल पे डिपेंड नहीं करती है. तो ये डिफरेंस है, ये तीन डिफरेंस है. अगेन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वेक्टर कंपोनेंट ऑफ आइडियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्केलर कंपोनेंट डी क्यू. इलेक्ट्रिक फील्ड इज द लाइन जॉइनिंग बिटवीन सोर्स एंड फील्ड पॉइंट, एंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ आइडियल क्रॉस आर. मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डिपेंड करती है एंगल पे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एंगल पे डिपेंड नहीं करती है. एक छोटा सा टॉपिक देख लेते हैं, रिलेशन बिटवीन एप्सिलॉन जीरो, म्यू जीरो एंड लाइट वेलोसिटी सी. सी व्हाट इज एप्सिलॉन जीरो? इट इज अ परमिटिविटी. व्हाट इज म्यू जीरो? इट इज अ परमियबिलिटी. एंड व्हाट इज सी? इट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट. ठीक है, जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे थे तब हमें के की वैल्यू आती थी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, दैट इज 9 इंटू 10 रेस टू 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन वैल्यू आती थी. उसके बाद म्यू जीरो परमिबिलिटी, तो परमिबिलिटी वैल्यू कौन सी है? म्यू जीरो इज इक्वल्स टू 4 पाई इंटू 10 रेस टू माइनस 7 टीमा, और यू कैन से टेस्ला इंटू मीटर अपॉन एम्पियर, ये इसकी वैल्यू आती थी. ठीक है, तो यहां से एप्सिलॉन जीरो, यहां से परमिबिलिटी, मींस परमिटिविटी एंड परमिबिलिटी दोनों का मल्टीप्लीकेशन करते हैं. सो म्यू जीरो इंटू एप्सिलॉन जीरो.
सो म्यू जीरो की जो वैल्यू है वो क्या है, 4π × 10⁻⁷। तो यहां पे दोनों साइड मतलब म्यू जीरो अपॉन 4π × 4π × ε₀, ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अगर मैं 4π से मल्टीप्लाई करूं, यहां पे 4π से डिवाइड करूं तो चलेगा। क्यों ऐसा कर रही हूं, क्योंकि मुझे ऐसा बैलेंस करना है, एप्सिलॉन जीरो है उसके साथ क्या है 4π, तो यहां पे अगर मैं 4π लिख रही हूं तो कंपलसरी मुझे डिनोमिनेटर में 4π लिखना पड़ेगा। तो यहां पे हम देख सकते हैं म्यू जीरो अपॉन 4π, तो म्यू जीरो की वैल्यू क्या है 4π × 10⁻⁷, दैट इज अपॉन 4π × 4π × ε₀। तो अब इसकी वैल्यू क्या होगी, 9 × 10⁻⁹, लेकिन इनवर्स होगी क्योंकि ये 1 upon 4π ε₀ की वैल्यू है। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 लिख दे, सो 1 upon 9 × 10⁹। 4π कैंसल, तो बचा क्या 1 upon 9 × 10⁻⁷, नीचे चला जाएगा तो 16 बन जाएगा। ओके, सो यहाँ पे म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो इज इक्वल्स टू 1 upon 3 × 10⁸ होल स्क्वायर। ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। 3 का स्क्वायर 9 एंड 10⁻⁸ × 2, 8 × 16, 10⁻⁶ आ गया। ऐसा हमने क्यों किया, बिकॉज वी नो द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होती है, 3 × 10⁸। तो यहाँ पे हम 1 upon c² लिख सकते हैं। सो हमें रिलेशन मिल गया, c² इज इक्वल्स टू 1 upon μ₀ ε₀, विच इम्प्लाइज c इज इक्वल्स टू √1 upon μ₀ ε₀। ठीक है, हमें ये इक्वेशन मिल गया बिटवीन वेलोसिटी ऑफ लाइट, परमिएबिलिटी एंड परमिटिविटी।